Hello everybody, I am Partha Bipadi, lecturer in Electrical Engineering from Government Polytechnic, Noyagarh. I am here to present you the 8th chapter, that is Economic Aspects of Generation, Transmission and Distribution, that is the subject for 4th sem Electrical Diploma students. So, the first topic in this chapter is what causes low power factor and power factor improvements. But ए टॉपिक को पढ़ने पर यू शुड हैव द बेसिक आइडियाज ऑफ व्हाट इज पावर फैक्टर एंड पावर ट्रायंगल व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ लो पावर फैक्टर एंड देन व्हाट कॉजेस लो पावर फैक्टर एंड व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स टू कॉम्बैट पावर फैक्टर्स सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज पावर फैक्टर सो पावर फैक्टर इज नॉट ए न्यू टॉपिक टू यू यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज पावर फैक्टर एंड पावर फैक्टर कह गले तुम माइंड रे फर्स्ट ए पॉइंट आसीबो जे वोल्टेज आउ करंट भितरे गोटे एंगल रो कॉस नेले सेटा को पावर फैक्टर कह जाए सपोज आई हैव अ फेजर वोल्टेज फेजर एंड देन इफ आई हैव अ फेजर ऑफ करंट फेजर देन तांको भितरे जो एंगल टा थिबो सेटा को जदी हमें तार कोसाइन नबा देन दैट बिकम्स आवर पावर फैक्टर ओके सो बाय डेफिनेशन द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एन एसी सर्किट इज नोन एज पावर फैक्टर इटा तो बहुत सिंपल तुम डेफिनेशन रो जानी दे पारिबो जे बिकॉज वोल्टेज आउ करंट भितरे एंगल रो कोसाइन नै जीव बट माय क्वेश्चन वोल्टेज आउ करंट भितरे व्हाई दिस एंगल डेवलप्स केबे भाबिचो कि काहे कि एंगल कोठ आसछि एटा जानिबा पई यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ व्हाट आर द डिफरेंट लोड्स इन एसी सिस्टम सर्किट्स सो बेसिकली कौन कौन लोड्स अच्छे हमारे रेजिस्टर्स इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स सो आम देखा वन बाय वन व्हाट हैपेंस टू रेजिस्टिव सर्किट्स इंडक्टिव सर्किट्स एंड कैपेसिटिव सर्किट फर्स्ट प्योर रेजिस्टिव सर्किट सपोज वी हैव अ सर्किट दैट कंटेन्स एसी सोर्स एंड अ रेजिस्टिव लोड देन तार वोल्टेज करेन्ट कर्व देखा यू कैन सी द ग्रीन वेव दैट सोर्स द वोल्टेज एंड द ब्लू वेव दैट सोर्स द करेन्ट वेव फॉर्म्स तो से मित्रे दे स्टार्ट आट द सेम टाइम दे हैव देयर पिक्स आट द सेम टाइम तो आम कौन कह दिस टू वोल्टेज एंड करेन्ट वेवस आर इन फेज तो ये टाइप रेस्रे वी हाव एन आवरेज पावर लाइक दिस् एथेरे कौन हम देख पावर सर्किट पावर वेव फॉर्म्स देख व्हेन वोल्टेज एंड वोल्टेज दिस लाइन सॉलिड लाइन इज द वोल्टेज लाइन एंड दिस डॉटेड लाइन इज द करंट लाइन जेतेबेले दुटा जगह पॉजिटिव अच्छा वी हैव अ पॉजिटिव पावर एंड जेतेबेले दुजण नेगेटिव अच्छा अल्सो वी हैव अ पॉजिटिव पावर व्हाई बिकॉज पावर सब पावर इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट से इन बोथ द केस वी हैव पॉजिटिव पावर्स दैट मीन्स रेजिस्टर जो पावर कंज्यूम करुच्ची दैट इज द यूजफुल पावर आम कह एक्टिव पावर एंड से रेजिस्टर सर्किट रे ही आमर एवरेज पावर को आम गणा जाइ परबो एंड दैट इज वी एम आई एम बाय टू एंड अल्सो इट इज अल्सो गिवेन बाय आई स्क्वेयर आर हे तो तुम्हें आगुरु पढ़ी थी जानी थी विषय देन व्हाट हैपेंस इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट सी वी हैव अ इंडक्टिव लोड हियर एंड सप्लाइड विथ एन एसी सोर्स देन हियर यू कैन सी द कर्व्स वोल्टेज कर्व बाय ग्रीन लाइन एंड करंट कर्व बाय ब्लू लाइन ये तुमको जना पड़ी प्योर पूरा क्लीयरली जे वोल्टेज कर्व आउ करंट कर्व दे आर नॉट एट द सेम वैल्यूज जेतेबेले वोल्टेज मैक्सिमम अच्छी करंट हैला जीरो अच्छी दैट मीन्स दे हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री ओके सो दे हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री सो एडा कौन पई होची इंडक्टर रे एमतिया बिकॉज इंडक्टर आर मोस्टली लाइक कॉइल्स आ कॉइल्स भितर कौन हुए व्हेन दिस करंट फ्लोस दिस ओरिजिनल सोर्स करंट जेतेबेले फ्लो हुए तांको भितरे गोटे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुए व्हिच डेवलप्स द बैक ईएमएफ एंड से बैक ईएमएफ रो जो करंट डेवलप हुए दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ दिस ओरिजिनल करंट सेथिपाई करंट लैग हुए आमर इंडक्टिव सर्किट से देन लेट सी व्हाट विल बी द पावर देखो पावर कर्व्स रे यू हैव
positive voltage here shown by the solid line, and then dotted line current show korchi. And this first quadrant ray, you can see voltage current both are positive, so power is positive. And the next quadrant dekho, this current is in positive and this voltage is in negative halves, so our product jodha ki power becomes negative. Again similarly, this power is positive because both voltage and current are negative, and here also you can see voltage positive, current negative, so power becomes negative. That means je gote quadrant re power positive rochi, next quadrant re power negative rochi. So negative power mane kon actually means it releases the energy back to the source. It bhi mu likhi chi dekho, energy stored for the positive half cycle, energy released for the negative half cycle. So inductor has the property to develop energy in the form of magnetic fields. Aau sethi pai inductor ra power sabole positive negative hai kina, average power tara zero hai jai. Ta mane kon se kichi power consume kare ni? Yes, of course consume kare, but the two e call as reactive power. Okay, actually sei power re amma pai kichi useful work hue ni, but sei power reactive elements pai nihati darkar to carry out any other work. Okay, so let's see what happens to a pure capacitive circuit. You see here a capacitor is provided with an AC source, and again the voltage and current curves, the voltage curve by green line and the current curve by the blue line, you can see there is a phase difference of 90 degree, but this time what happens, current is leading the voltage by 90 degree. तो जिम्ति केस थिला इंडक्टर रो सेही भलिया ही केस हमरो कैपेसिटर रे भी अछि, वोल्टेज आ करंट रे फेज डिफरेंस रही छि, कैपेसिटर रे भी सेही भले एनर्जी स्टोर करबा पई का प्रॉपर्टीज अछि, एंड कैपेसिटर इज नोन टू स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड्स, चार्ज स्टोर करिके ना सेतरे एनर्जी स्टोर हुए. तो एथरे भी हमें देखिबा द करंट वेव शोन बाय द डॉटेड लाइंस एंड द वोल्टेज वेव शोन बाय द solid lines. Here you see current positive, voltage negative, so power achi negative. And in this quadrant voltage positive, current positive, so power amara positive re achi. And again here current negative, voltage positive, power amara negative re achi. And again here power is positive. So what happens, energy is stored in the positive half cycle and energy is released in the negative half cycle. That means energy is going back to the source side. Eta bhi gote prakar reactive power, and ethere bhi kichhi useful work hue nahi. And what happens to the average power? Average power becomes zero. So by summing up all these power drawn by resistors, inductors, capacitors, jete bhi sabu load hala, those are actually the loads of our AC power systems, and ei sabu powers ko nekna ame taku summation kari pariba gote triangle form re, jota ke amara power triangle. ओके जोड़ा कि मु कहली रेजिस्टर्स रे एक्चुअली यूजफुल पावर जाए बा सेटा को हम एक्टिव पावर कहिथाउ इन अ पावर ट्रायंगल व्हिच इज एक्चुअली ए राइट एंगल ट्रायंगल द बेस शो करे रियल पावर एंड द परपेंडिकुलर इज द रिएक्टिव पावर एंड द हाइपोटेन्यूज शो द अपरेंट पावर व्हिच इज द टोटल पावर सो जेहेतु एटा गोटे राइट एंगल ट्रायंगल तो एस जोटा कि हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू E square plus Q square ro root over. Okay, so we are interested in the power factor. Jota ki ame first slides re dekhile, power factor is cos theta, voltage au current ro just angle ro cosine. Seta ame power triangle re bhi dekhi pariba je ei jo theta angle ta aschi, that is that same angle, and it is also called as power angle. And power factor defined as cos theta is the ratio of real power by apparent power. Okay, so what happens to an inductive load? Inductive load jadi pure inductive load thibo, then this is the reactive power consumed in inductor. So sethipai seta hala ta formula asibo S is equal to P plus jQL. And jadi amar gote pure capacitive load thibo, then the capacitor reactive power is shown like this, and S is given as P minus jQC. So
let's have a comparison of how power factor increases or decreases by the help of power triangle. देखो ए ट्रायंगल टा देखो एथरे थीटा रो वैल्यू ऑब्वियसली कम जणा पडची एथरे थीटा रो वैल्यू अधिक जणा पडची तो जते बळे थीटा रो वैल्यू कम अछि फॉर ए स्मॉलर थीटा वी हैव अ स्मॉलर क्यू स्मॉलर रिएक्टिव पावर जते बळे थीटा रो वैल्यू कम अछि तो वी हैव लो रिएक्टिव पावर एंड व्हेन वी हैव लार्जर थीटा देन वी हैव अ लार्जर रिएक्टिव पावर बट स्मॉलर थीटा पाई वी हैव अ लार्ज पावर फैक्टर एंड फॉर ए लार्ज थीटा वी हैव अ स्मॉलर पावर फैक्टर बिकॉज पावर फैक्टर जोड़ा कि हमारा कॉस थीटा जहाँ के वैल्यू कॉस जीरो हेले वन हुए एंड कॉस 90 हेले जीरो हुए तो सेथिपाई जत्ते एंगल आमर जीरो आड़ की रहइबो पावर फैक्टर आमर सेते यूनिटी आड़ की रहइबो माने वन आड़ की रहइबो जोड़ा कि एक्चुअली डिजायरेबल आ सेतेबेले रिएक्टिव पावर कम रहइबो एज आई टोल्ड जे जेमती आमर रिएक्टिव पावर हला किछि यूजफुल पावर नुहे एंड दैट इज कंज्यूम्ड बाय इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स सो व्हाट वी नीड टू डू इज मिनिमाइज द रिएक्टिव पावर सो काही के आमे रिएक्टिव पावर को कम करिवा एंड पावर फैक्टर को बढ़ेवा लेट्स सी फ्रॉम दिस स्लाइड देखो पावर इन अ थ्री फेज सर्किट इज गिवन बाय √3VI cos φ एंड करंट जदि आमे नवा देन P/√3V cos φ then it shows I is directly proportional sorry inversely proportional to cos phi that means jodi power factor amar kom rahibo current badhi jibo power factor ra value jette kom rahibo current ra value sete adhika hobo and power factor jete adhika hobo current ra value kom rahibo okay again in single phase circuits same katha jete bele amar current इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस फाइव होता है सो कॉस फाइव रो वैल्यू बा पावर फैक्टर रो वैल्यू जते कम रहइबो करंट रो वैल्यू सेते अधिक रहइबो एंड पावर फैक्टर जदि अधिक रहे देन करंट वैल्यू ऑब्वियसली कमी जइबो सो कोन होबो करंट रो वैल्यू बढ़ी गले बा पावर फैक्टर वैल्यू कमी गले व्हिच इज डिजायरेबल और नॉट लेट्स सी फ्रॉम दिस स्लाइड्स देखो हाई करंट इज नेवर डिजायरेबल दैट मीन्स जे लो पावर फैक्टर इज ऑल्सो नॉट डिजायरेबल कौन हम करेन्ट बढ़ीगले फर्स्ट पॉइंट योर पावर लॉस विल इंक्रीज पावर लॉस बा लाइन लॉस बा कॉपर लॉस जहाँ को विच इज गिवन बाय I² R जदि बढ़ी जिवो देन आमर जब करेन्ट वैल्यू बढ़ी जाए देन पावर लॉस ऑब्वियसली बढ़ी जिवो बिकॉज करेन्ट सपोज 4 times बढ़ला देन पावर लॉस विल इंक्रीज बाय 16 times 4 रो स्क्वायर 16 times सो से पावर लॉस विल इंक्रीजेस एंड व्हाट हैपेंस टू केवीए रेटिंग सब इक्विपमेंट्स ट्रांसफॉर्मर हो बा अल्टरनेटर हो दे आर रेटेड इन केवीए एंड केवीए इज इक्वल टू KW मान किलोवाट बाय कॉस फाइव सो एनी इक्विपमेंट जहाँ कि आम रेटिंग्स नौचे केवीए जो इक्विपमेंट तैयारी करचे इफ वी हैव लो पावर फैक्टर कॉस फाइव जब लो हो जाए देन व्हाट विल हैव टू डू केवीए मैंने करेंट किलोवोल्ट एम्पीयर रेटिंग को बढ़ाया पड़ो जहाँ फल कि अजथारे आमको मशीन बा इक्विपमेंट रो साइज को बढ़ेवा को पड़ो व्हिच विल अगेन बिकम कॉस्टलियर ओके सो नेक्स्ट ग्रेटर कंडक्टर साइज कहीं बिकज जो कंडक्ट पावर फैक्टर आम जो कमी जीवो करंट रो वैल्यू बढ़ी जीवो एंड करंट अधिका फ्लो करने व्हाट विल हैव टू डू कंडक्टर रो साइज बा रेडियस आमको बढ़ेगा को पड़ो दैट मीन्स जे कंडक्टर रो साइज बढ़ेगा माने बेसी कपर यूज हबो एंड बेसी खर्च भी बढ़ो इट बिकम्स कॉस्टलियर ओके देन पुअर वोल्टेज रेगुलेशन एंड वोल्टेज ड्रॉप As I said, current बढ़ी जीवो because power factor कमी गले then voltage drop which is V is equal to IZ voltage drop बढ़ी जीवो then what happens the regulation माने जो change in voltage from no load to full load becomes also very lower that means गोटे transmission line रे जोटे sending end voltage और receiving end voltage भीतर जो difference अधिक आसो then आमर efficiency obviously down हो जीवो because of this larger current और लोअर पावर फैक्टर नेक्स्ट लोअर एफिशिएंसी एज आई सेड जमती कि आमर पावर फैक्टर कमी जीवो करंट बढ़ी जीवो बेसिक कंडक्टर लागिवो बेसिक कपर लागिवो केवीए रेटिंग्स बढ़ी जीवो पुअर वोल्टेज रेगुलेशंस हबो सो ऑल दिस लीड्स टू लोअर इन एफिशिएंसी देन नेक्स्ट यस पेनल्टी फ्रॉम पावर सप्लाइज कंपनी व्हाट इज दिस
any power supply company like our SESU ho ba NESCO SOUTHCO WESCO sabu re semane reactive power jete consume hoje ta pai kichita charge pakanti to sei charge when you have low power factor you that means your devices your machines are consuming more reactive power and you have to give a penalty for that सो जिते भी सब बड़ बड़ इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्रीज हो बा फैक्ट्रीज हो दे कीप इन माइंड दैट ऑल द मशीनरीज ऑल द इंडक्टिव लोड्स आर वर्किंग इन द पावर गुड पावर फैक्टर रेंज सो कहीं की ए पावर फैक्टर लो हो यस व्हाई दिस पावर फैक्टर इज लोअर बिकॉज ऑफ दिस इंडक्टिव लोड इंडक्टिव लोड हैला पावर सिस्टम बा हमारा एसी पावर सिस्टम रे गोटे एमती लोड जे कि लैगिंग पावर फैक्टर को कंज्यूम लैगिंग पावर को कंज्यूम करे लैगिंग करेंट कंज्यूम करे दैट लीड्स टू लोअर इन पावर फैक्टर एंड व्हाट दिस इंडक्टिव लोड इंक्लूड्स इट इंक्लूड्स ए होल रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स ट्रांसफॉर्मर्स आर्क वेल्डर्स एचवीएसी सिस्टम्स मोल्डिंग इक्विपमेंट्स प्रेसेस एंड हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लाइट्स सो basically it is the inductive load that makes this power factor lower by consuming lagging current and inductive loads jode ki induction motor mostly jode ki sabu jagah re use hue seta ko jete bele ame the power factor is usually extremely low for 0.2 to 0.3 at light loading conditions जदि लोड फुल लोड रे जदि मोटर हमर काम न करे देन द पावर फैक्टर बिकम्स मच लोअर सो इट इज डिजायरेबल टू वर्क इन फुल लोड वेयर द पावर फैक्टर इज मेंटेन्ड इन बिटवीन 0.8 टू 0.9 अगेन इट इज द वेरिएशन इन पावर सिस्टम लोडिंग सो आवर पावर सिस्टम इज ए कनेक्टेड वन इंटरकनेक्टेड स्टेट रे कनेक्टेड थाए इंटरस्टेट रे भी कनेक्टेड थाए सो देर इज ऑलवेज ए वेरिएशन इन लोड कोटी लोड कमिलानी कोटी लोड बढ़िलानी इवन इन मॉर्निंग इट इज लाइट लोड्स इवन इन मॉर्निंग इट इज हाई लोड एंड नाइट रेड लोड बढ़ी जाए देन लोड रो वेरिएशंस रे कौन हुए व्हेन वी हैव डिक्रीज इन लोड वोल्टेज हठात बढ़ी जीवो व्हिच विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द मैग्नेटाइजेशन करंट एंड देन देयर इज अ डिक्रीज इन द पावर फैक्टर अगेन इट इज द हार्मोनिक करंट्स हार्मोनिक करंट कौन व्हिच इज ऑलवेज डेवलप्ड फ्रॉम नॉन लीनियर लोड्स तो बा किछि जदी थ्री फेज जदि थ्री फेज रे जदि कोठी फॉल्ट हला बा किछि इंबैलेंस हला देन देयर कॉजेस ए हार्मोनिक करंट दैट आल्सो लीड्स टू लो पावर फैक्टर सो हाउ टू इंप्रूव द पावर फैक्टर बाय नोइंग व्हाट कॉजेस लो पावर फैक्टर एबे जे तुम्हें जानि सरलनी जे लो पावर फैक्टर रो मुख्य कारण हला इंडक्टिव लोड दैट ड्रॉज द मैग्नेटाइजिंग करंट बा लैगिंग करंट तो आम जदि एमती किसी कम करवा व्हिच विल इंक्रीज द लीडिंग करंट लैगिंग करंट को कमे लीडिंग करंट दबा पावर सिस्टम रे देन वी कैन इंक्रीज आवर पावर फैक्टर सो द बेसिक सिंपल सिंपल सॉल्यूशन इज बाय यूज ऑफ कैपेसिटर्स सी दिस फेजर डायग्राम सपोज वी हैव अ सर्किट लाइक वी हैव आरएल लोड जदि हमर आरएल लोड थाए देन द फेजर डायग्राम देख दिस वायलेट लाइन इंडिकेट्स द वोल्टेज एंड सपोज द करंट आई वन व्हिच वाज फ्लोइंग थ्रू आरएल लोड इज हैविंग ए एंगल ऑफ 5 to बिटवीन आई वन एंड दिस वोल्टेज फेजर देन व्हेन वी ऐड ए कैपेसिटर कैपेसिटर जोड़ा कि वोल्टेज टू लीडिंग करे बाय 90 डिग्री देन आवर पावर फैक्टर एंगल this phi angle decreases suppose this angle is decreases to phi 1 you can see angle decrease he gale power factor kon hobo amro increase hobo and by this technique only we can improve the power factor of any such loads in the power system so what are the equipments used in power system are the first and the simplest equipment is a capacitor bank so capacitor bank ba taku static capacitors bhi kuha jaye it is the simplest method and it actually ko bhi load ro parallel re laga jaye and what it do
actually it injects the leading current in the power system, so that the lagging power factor will be stabilized. Okay, so tome dekho jodi three phase load heithibo, then it is connected in star or delta connection. So jodi gote power system ba gote factory ba industry re capacitor bank is connected like this, and what are the advantages? It have low losses, low maintenance, and lightweight, easy to install, and no foundation required. And also it has some disadvantages. What are these? It has a short life. It is get easily damaged due to over voltage. Its repair cost is very high, and then it has due to constant switching, it creates harmonic currents. Next equipment hala amara synchronous condenser. Synchronous condenser actually kon? Synchronous condenser is nothing but a synchronous motor that runs at overexcited state, and at that time it acts as a capacitor. गोटे डिफरेंस जोटा कि कैपासीटर बैंक आउ सिंक्रोनस कंडेनसर भितर अच्छी, दैट कैपासीटर बैंक रे वी डू नॉट हैव एनी टेक्निक टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर स्टेप बाय स्टेप. जोटा भी पावर फैक्टर बढ़ेगा पे हबो सेटा डायरेक्टली हबो, बट सिंक्रोनस कंडेनसर रे वी कैन डू ए स्टेप पावर फैक्टर करेक्शन. And synchronous condensers are used in large factories, industries, and major supply substations. And what are the advantages? Yes, it has a longer lifespan, flexible and stepless control of power factor. It is reliable. It does not have any harmonics, and because it does not have any switching options. Then next are the disadvantages. Jemti ki eta gote synchronous motor, so it has losses. And high maintenance, it produces noise, and it has and it is not safe starting, so it needs an auxiliary device to start, and it is uneconomical for ratings below 500 kVA. Next is the three phase advancer. Here you can see in the figure, it is basically used in the induction motor. Induction motor ko drive kariba pai exciting current darkar jota ki se source ru ne, that is a lagging current. So to provide excitation current from a external device, phase advancer is used, and phase advancer is coupled with the induction motor in the shaft only. So what are its advantages? Advantage is lagging kVAR is drawn by the motor, and it reduced because the exciting ampere turns are supplied at slip frequencies. Our disadvantage alla yaar it is not economical for motors below 200 horsepower. You can see in the figure how it looks. Next are the assignment questions, and if you have any doubt regarding these assignment questions, you can WhatsApp me on this number 9439134639. Thank you. झीटे तो माटी आम सामाजिक और पारिवारिक जीवन मूल कथाटी से आगक गले आगक जीव संसार आम झील मैंने पुओं ठू पछरे एवं तो बदली गला समय बदली गला जुग से झील मान आहरी आगक नहीं आत्मनिर्भरशील और स्वावलंबी करने को सरकार सुदक्षा योजन सरकारी आईटीआई मध्यम संपूर्ण मगणारे जोगई दे सबु प्रकार उत्कृष्ट मानर वैषयिक ज्ञानकौशल तालीम एबे आमो झियो रहिबे सबुठु आगरे सबुठु उपरे मु सफल मु कुशल मु सुदक्षा आमे सुदक्षा.